नमस्कार, इंडिया टॉप 10 बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। हाथरस के बाद बदायूं में महिला के साथ बर्बरता, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने साधा उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना, बोली महिला सुरक्षा पर योगी सरकार की नीयत में खोट। किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर किसानों के साथ चल रही बातचीत को बताया सकारात्मक, जज ने जल्द नतीजा निकलने की जताई उम्मीद। हाथरस के बाद अब बदायूं में गैंगरेप, बलात्कार के बाद गुप्तांग में डाली रॉड, पुलिस दबाती रही मामला, परिजनों के संघर्ष के बाद सामने आया मामला। मध्य प्रदेश समेत देश भर में बर्ड फ्लू का कहर, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक। मध्य प्रदेश में अगले 10 दिन तक दक्षिण भारत से आने वाली मुर्गियों की खेप को दाखिल होने की नहीं होगी अनुमति। उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी को होंगे विधान परिषद के चुनाव, 12 सीटों पर होंगे चुनाव। बीजेपी को मिल सकती है 10 से 11 सीटें, सपा को एक तो बसपा को 0 सीटें मिलने की संभावना। दांव पर होगी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की सीट। इसरो के वैज्ञानिक तपन मिश्र का बड़ा आरोप, बोले 3 साल पहले उन्हें जहर देकर मारने का किया गया था प्रयास, चटनी में जहर डालकर दिया गया था। फिलहाल इसरो के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं तपन मिश्र। श्रीलंका पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, बोले महामारी भी हमारे रिश्तों को नहीं कर पाई खराब, श्रीलंका के लिए भरोसेमंद दोस्त है भारत, द्विपक्षीय हितों पर आधारित है हमारे रिश्ते। चीन ने अब तक नहीं दी कोरोना जांच के लिए WHO अधिकारियों को देश में आने की मंजूरी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने कहा बेहद निराशाजनक है चीन का रवैया। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने फिर भेजा नोटिस, जल्द पेश होने का निर्देश। एक बार पहले भी ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं वर्षा राउत, PMC बैंक घोटाले में उनसे चल रही है पूछताछ। नई मुंबई मेट्रो का आगे का काम करेगी महाराष्ट्र मेट्रो कॉरपोरेशन, सिडको महामंडल ने लिया निर्णय। 11 किलोमीटर की रेल परियोजना पर नई मुंबई में चल रहा है काम, आगे का काम करेगी महामेट्रो कॉरपोरेशन। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।